फतेहाबाद में एक युवक को बर्थडे पार्टी में जाना महंगा पड़ गया। दरअसल उस पार्टी के दौरान मृतक का अपने साथियों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि शराब के नशे में धुत आरोपियों ने पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। आखिर मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखिएगा। फतेहाबाद के गांव मेहमतपुर रोही में देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रहे एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शराब के नशे में तीन युवकों ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी मेहमतपुर रोही गांव के ही रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक गांव में बीती रात राजू नाम के युवक के घर बर्थडे पार्टी थी, जिसमें मृतक कश्मीर और गांव के अन्य युवकों ने जमकर शराब पी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर लौट रहे थे तो इस दौरान कश्मीर के गाँव के ही तीन युवकों से किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बात झगड़े तक जा पहुंची, जिसके बाद तीनों युवकों ने अपने कुछ साथियों को भी मौके पर बुला लिया और कश्मीर की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं फतेहाबाद के DSP सुभाष चंद्र का कहना है कि इस मामले में तीन युवकों के खिलाफ बाई नेम और चार अन्य के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। उनका एक आदमी है, वो जो है अपने बर्थ पार्टी कर रहे थे वहाँ अंतिरोही के अंदर, और वहाँ उसके उन्होंने बर्थ पार्टी के बाद में शराब वगैरह का सेवन किया, और उसके बाद में जो बर्थ पार्टी के बाद में उनमें जो है ना एक बजरंग नाम का लड़का है वो अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में कश्मीर वगैरह मिल गई और जो है ना इनके साथ जो ना झगड़ा हो गया, और झगड़े के अंदर जो है छोटे लोग और कश्मीर की जो है ना बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि लोगों में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं रही है। लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि छोटी छोटी सी बात पर एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो जाते हैं। अब देखना होगा कि हत्यारे कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं ताकि उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिल सके। जनता TV के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।